बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने AIIMIM के नेता शौकत अली के विवादित बयान और भड़काऊ भाषण पर अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत राजूदास ने कहा कि सनातन धर्म के अपमान करने पर नेता शौकत अली पर अतिशीघ्र कार्यवाही हो। और राजूदास ने कहा कि अयोध्या के साधु संत पुरजोर विरोध और घोर निंदा करते हैं। हिंदू जनमानस और साधु संतों में काफी रोष, शौकत अली के विवादित बयान पर घोर निंदा किया और सरकार से आग्रह किया कि नेता शौकत अली के विवादित बयान पर सरकार से अपील की कि इस पर ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। और क्या बोले महंत राजूदास, सुनिए उन्हीं की जुबानी। IIMIM का एक सुअर का बच्चा है शौकत अली, उसने जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति को अपमानित भरे बात बोला, जिस प्रकार से हिंदू जनमानस को टारगेट करके और हिंदुओं का जो भाव है उस भाव को कुठाराघात करने का कोशिश किया, जिस प्रकार से साधु संतों का अपमानित करने का बात वो बोला है कि अगर कोई मुस्लिम खड़ा हो जाएगा तो साधु संतों का संडास निकल जाएगा, कितना निंदनीय बात है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात साधु संतों के सामने कोई मुस्लिम खड़ा हो जाएगा तो संडास निकल जाएगा, अरे मूर्ख, जिस दिन साधु संत आवाहन कर देगा कि भक्तों उठा लो खरक, हो जाओ तैयार, इन आताताइयों का कर दो संगार, उस दिन तुम्हारा पृथ्वी पर कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। हिंदुस्तान की तो बात बहुत दूर है, साधु संतों को अभी तुम नहीं समझ पाए हो, नहीं जान पाए हो। रही बात कि आपने कहा कि मुसलमान तीन बीवी करता है, तीनों बीवी साथ में रहती है, हिंदू एक तो शादी करता है बाकी सब रखेल रखता है, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम्हारी मानसिकता हिंदुओं के प्रति कितनी खराब है। तीसरी बात जो तुमने कहा कि अब हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, दुख इस बात की है कि हमारे पूर्वजों ने तुमको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार दिया लेकिन तुम उस अधिकार का नाजायज फायदा उठाना चाहते हो। मुझको लगता है कि यह देश संविधान से चलता है और संवैधानिक तरीके से तुम अपनी बात को रखोगे तो तुम्हारी बात मानी जाएगी, अगर तुम तलवार की नोक पर बात करोगे तो उस दिन साधु संत चिमटा बजा देंगे, जब चिमटा बजा देंगे तो हिंदू जनमानस खरक उठा लेगा, जब हिंदू जनमानस खरक उठा लेगा तो तुम हिंदुस्तान में नहीं रह पाओगे। देखिए AIIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जो बयान दिया है बेहुदा, बहुत बेहुदा बयान दिया है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इसने भारत के सनातन धर्म की बहन बेटियों का अपमान किया है, साधु संतों का अपमान किया है और समाज में जहर घोलने का काम और नफरत फैलाने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुगलिया सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, इनको ये नहीं पता है कि मुगल अपनी बहन बेटियों के साथ रेप करते थे जबरदस्ती, ये भी तो शौकत अली को बताना चाहिए था। और जो ये इस तरह के बयान दे करके हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं और देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, ये ऐसे ही चल रहे हैं जैसे PFI चल रही थी, CBI के नक्शे कदम पर PFI चल रही थी, आज AIIMIM के प्रदेश अध्यक्ष भी PFI के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि ऐसे शौकत अली व्यक्ति, मानसिकता रखने वाले, तालिबानी सोच रखने वाले के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि ऐसे बयान देना वाला 100 बार सोचे कि ऐसे बयान देना है या नहीं देना है।